इकोनॉमिक सर्वे के हम 99 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से तीन पार्ट्स ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। ये लास्ट और फाइनल पार्ट है, पार्ट फोर। तो शुरुआत करते हैं आज के पार्ट की। बट उससे पहले, जैसे कि आपको पता ही है कि मैराथन सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं, तो कल ध्यान रखिए सुबह 10 बजे से इकोनॉमी के हम पीवाईक्यूज वहां पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, क्या जनरली आप उस तरीके की अप्रोच वहां पर रख सकते हैं, करंट डेटा आपको क्या कहता है उन पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड जो कि पहले आपसे पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा सुबह 10 बजे से हम शुरुआत कर देंगे सेशन की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। जैसे कि हम ऑलरेडी, आपको पता ही इन सभी चैप्टर्स के बारे में तो काफ़ी बार डिस्कशन भी हो चुका है, अब तो याद भी हो गए होंगे आपको ये सभी चैप्टर्स। तो लास्ट के जो आपके दो चैप्टर्स बचते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बट कुछ चीज़ें थी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कि बची हुई थी, कि पहली बात इनिशिएटिव जो कि पोर्ट से रिलेटेड वहाँ पर लिए गए हैं। पहली बात सागरमाला इनिशिएटिव के बारे में, आपको पता ही है कि जिस तरीके से हमें नए से नए पोर्ट्स की वहाँ पर स्थापना करनी, क्योंकि इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड पर्पसेज के लिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट अभी भी हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं उनका नंबर 12-13 नंबर ही है। हम चाहते हैं उन नंबर्स को यहां पर बढ़ाना, तो उसके लिए सागरमाला इनिशिएटिव यहां पर रखा गया है कि मॉडर्नाइजेशन यहां पर यूज की जा सके, नए पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, कनेक्टिविटी के एनहांसमेंट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके की वहां पर हो कि पोर्ट के आसपास आपकी इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप हो सके, ताकि उनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसे हम यहां पर प्रिवेंट कर सके। कोस्टल शिपिंग पर काम किया जाएगा, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पर, तो इन सभी चीजों को यहां पर कवर कर रहा है। एक अम्ब्रेला स्कीम हम कह सकते हैं, ब्रह्मस्त्र स्कीम यहां पर कह सकते हैं सागरमाला के बारे में। फिर वहीं बात आती है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट के बारे में, जिसके चलते पहले क्या रहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वहां पर आपके मोस्ट ऑफ द डिसीजंस लिए जाते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट होनी है, किस तरीके से जो पैसा जनरेट हो रहा है उसे कैसे यूज करना है उन पर्टिकुलर पोर्ट्स में। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि हम यहां पर बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज वहां पर तैयार करेंगे हर एक पोर्ट के लिए, जिसमें उनके द्वारा वहां पर डिसीजंस लिए जाएंगे कि कैसे उस पोर्ट की वहां पर डेवलपमेंट करनी है। उसके अलावा कैप्टिव पॉलिसी फॉर पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज की, आपकी इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि बिल्कुल ही पोर्ट डिपेंडेंट है, कि उनका जितना भी प्रोड्यूस वहां पर तैयार हो रहा है वो एक्सपोर्ट ही होना है, तो उसके लिए यहां पर इस पर्टिकुलर पॉलिसी के चलते यहां पर काम किया जाएगा। तो ये बेसिक्स आपके लिए रिवीजन है कि आपको पता होना जरूरी है कि ये इनिशिएटिव्स हैं जो कि पोर्ट से रिलेटेड यहां पर रखे गए हैं। उसके अलावा 2030 के लिए जो यहां पर मैरिटाइम इंडिया विजन रखा गया है, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है, उसके अलावा आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ द मेजर पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, किस तरीके से कैपेसिटी यहां पर इंक्रीज होती गई है, और जो ये आपकी ब्लू लाइन ये क्या दिखा रही है, टीआरटी टर्न राउंड टाइम, अर्थात कि अगर कोई शिप आपकी किसी पोर्ट पर आ रही है, कितनी देर में उसकी अनलोडिंग हो रही है और कितनी देर में वो वापस जा रहा है, तो उसके ऊपर भी यहां पर काम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। कि अभी आपके नंबर ऑफ आवर्स मोस्टली अगर सिंगापुर जैसे हम पोर्ट्स में वहां पर बात करें, तो अराउंड 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका ये टर्न राउंड टाइम वहां पर अचीव किया गया है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, उसी प्रकार की नॉलेज ट्रांसफर को वहां पर मद्देनजर रखते हुए कि किस प्रकार से बाकी पोर्ट्स वहां पर काम करें, तो इंडिया भी यहां पर कोशिश कर रहा है, और वही चीज हमने यहां पर विटनेस भी की है। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स के बारे में जो कि हमारे टेलीकॉम सेक्टर में देखेंगे। तो हालांकि बहुत ही नंबर ऑफ रिफॉर्म्स यहां पर आपको एक ब्लू बॉक्स वहां पर दिया गया होगा, तो उतने रिफॉर्म्स हम यहां डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बट कुछ जो आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, कि पहली बात जो आपका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू था, इसको यहां पर रैशनलाइज करने की बात की गई है, कि एजीआर पहले यहां पर कैलकुलेट किया जाता था ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट, कि जो वहां पर जो भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है उस तरीके की कॉम है, कि उनके द्वारा जो टेलीकॉम रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है और नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, उसका अराउंड 5-8% वहां पर रखा जाता था कि वो आपका एजीआर यहां पर रहेगा। बट अब ये यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब भी आपकी एजीआर की वहां पर कैलकुलेशन की जाएगी। एजीआर बेसिकली ये जो पेमेंट रहती है, ये सरकार को, मतलब जो आपका टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उनको ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज द्वारा पेमेंट यहां पर की जाती है। फिर वहीं बैंक गारंटीज के बारे में यहां पर बात रखी गई थी, कि इस तरीके से जो आपकी फी के अगेंस्ट जो बैंक गारंटी वहां पर दी जाती है उसे यहां पर रैशनलाइज कर दिया जा चुका है। कि पहले क्या रहता था कि आपकी जो एक बैंक गारंटी है सिर्फ वो एक लोकलाइज्ड, मतलब आप बहुत ही कम एरियाज में उसे वहां पर यूज कर सकते थे, बट अब यहां पर क्या बात रखी गई कि हम उस तरीके से जो आपकी बैंक गारंटीज हैं वो अब बाकी रीजन्स में भी आप यूज कर सकते हैं, उसको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है जी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको उस ब्लू बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली उसे गो थ्रू कीजिए, एक रीडिंग दीजिए, आपको काफी हद तक चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। फिर वहीं बात करें अगले पॉइंट के बारे में, कि कौन से मेजर्स लिए गए हैं टू डेवलप नेशनल गैस ग्रिड, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कि नेशनल गैस ग्रिड की स्थापना करने की बात की गई, जितने भी हमारे डिमांड और सप्लाई सेंटर्स हैं उन्हें हमें कनेक्ट करना है। साथ के साथ आपका जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा 2016 में आपकी इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके चलते जो 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के, उनको कनेक्ट यहां पर करने की बात की गई है, उसमें पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है। तो ये स्टेट्स के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बताइए कौन कौन से स्टेट्स को आपका ये पर्टिकुलर स्कीम यहां पर कवर कर रही है। फिर आपकी नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, उसमें भी आपकी बेसिकली वायबिलिटी गैप फंडिंग या
इंटरेस्टेड कैपिटल ग्रांट जिसे हम कह सकते हैं, 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट यहां पर सरकार द्वारा प्रोवाइड करने की बात रखी गई है। साथ के साथ यहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात रखी गई है, जिसके चलते आपके इस तरीके की पाइपलाइन नेटवर्क वहां पर स्थापित किया जाएगा, उस तरीके की सीएनजी पंप्स वहां पर लगाने की बात की जा रही है। तो ये कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपको अपने ध्यान में जरूर रखने हैं। फिर वही बात करें अगले पॉइंट के बारे में कि सोर्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो उसका एक बेसिक सा यहां पर डेटा कुछ दिया गया था, किस तरीके से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहां पर थर्मल की कितनी है, पर जनरेट वो ज्यादा कर रही है, यहां पर न्यूक्लियर की आपकी 1% है, जनरेशन उनकी 3%, यहां पर हम कह सकते हैं उतनी जनरेट कर पा रहा है, उतनी सप्लाई वहां पर हो पा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22% है, बट सिर्फ और सिर्फ 10% यहां पर उसके द्वारा सप्लाई वहां पर की जा रही है। हाइड्रो की 9% है। तो इसी के चलते जो रिन्यूएबल एनर्जी में आपके काफी सारे आते हैं, सोलर आता है, विंड आता है, तो इन सभी के लिए हाइब्रिड पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है कि हम जो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी ज्यादा है बट उस तरीके की सप्लाई वहां पर नहीं हो पा रही, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स है 24 घंटे तो ये अवेलेबल रहेगा नहीं, तो उसके लिए हाइब्रिड प्लांट्स वहां पर तैयार की जा सके, ताकि एक कंसिस्टेंट, एक हम कह सकते हैं एक कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पर दी जा सके। तो ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, किस तरीके से आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से कितना आपका शेयर है थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी जो आपके न्यूक्लियर है, और जनरेशन के हिसाब से कितना यहां पर शेयर है। फिर वही बात करें सर्विसेज से रिलेटेड, सर्विसेज की सेक्टर परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं यहां पर कि अलग अलग सेक्टर्स ने किस तरीके से यहां पर परफॉर्म किया। डेफिनेटली जो यहां पर आपका 2021 का जो पीरियड था, यहां पर सभी में ही नेगेटिव, मतलब कॉन्ट्रैक्शन यहां पर देखिए, ग्रोथ नहीं देख पाए हम, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखिए, नेगेटिव में हमारे पास रिजल्ट्स यहां पर सामने आए हैं। बट फर्दर जो हम बात करते हैं वी शेप रिकवरी की, कि उस तरीके से फर्दर ये आपकी अब दोबारा से प्री पेंडेमिक लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो आपके एडवांस एस्टिमेट्स यहां पर रखे गए हैं 21-22 के लिए, इकोनॉमिक सर्वे में भी एडवांस एस्टिमेट्स ही मेंशन किए गए थे, अर्थात एडवांस एस्टिमेट की स्टार्टिंग के जो एस्टिमेट्स वहां पर लगाए गए हैं, फिर प्रोविजनल जब देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म किया है उसके एस्टिमेट वहां पर रखे जाते हैं, फिर रिवाइज एस्टिमेट जब हमारे पास एक तरीके का फाइनल रिजल्ट वहां पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी बात चल रही है इससे रिलेटेड कि ये वी शेप नहीं चलेगी, ये हम कह सकते हैं सर्विसेज के सेक्टर में बहुत सारे, जैसे कि अगर हम बात करें टूरिज्म हो गया आपका, इस तरीके से हॉस्पिटैलिटी हो गया, इनमें कहीं ना कहीं अभी भी हम प्री पेंडेमिक लेवल्स को पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो बेसिस आपको ध्यान रखना है किस तरीके से यहां पर परफॉर्म किया है अलग अलग सर्विसेज के सेक्टर्स ने। फिर बात करें एफडीआई इनफ्लोस के बारे में सर्विसेज सेक्टर में, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि कौन से आपका सेक्टर है सर्विसेज का जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हमने यहां पर विटनेस की है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर यहां पर हम बात करें, बेसिकली यहां अगर आप देख सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर और जो हार्डवेयर है, ठीक है जी, सबसे ज्यादा एफडीआई यहां पर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट ने यहां पर रखा है। उसी के हिसाब से आप बाकी चीजों के बारे में देख सकते हैं, फाइनेंशियल आपके बिजनेस आउटसोर्सिंग हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक टेस्टिंग या फिर एनालिसिस, वो आपका सेकंड नंबर पर यहां पर आ जाता है। फिर वहीं आपका जो एजुकेशन है थर्ड नंबर पर। एक सीक्वेंस अगर आपको पता रहेगी, आपको अरेंज करने के लिए कह दिया जाएगा कि हाँ जी अरेंज कीजिए किस तरीके से एफडीआई इनफ्लो हुआ है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, तो ये वाला डेटा आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है जी, बाकी तो यहां पर आपको अमाउंट मेंशन किया गया है ओवर द ईयर्स कैसे कैसे यहां पर आपका वेरी कर रहा है, किस तरीके से आपका ये बढ़ रहा है या घट भी रहा है। ठीक है जी, फिर एक्सपोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो वहां पर किस तरीके से जो आपकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं ये सबसे ज्यादा यहां पर एक्सपोर्ट हुई हैं, बिजनेस सर्विसेज उसके बाद आपकी यहां पर जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज आपकी होगी, ठीक है जी, फाइनेंशियल सर्विसेज वहां पर आपकी एक्सपोर्ट हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को वहां पर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है, ट्रैवल आपका इसमें काउंट किया जा रहा है। ठीक है जी, फिर वैसे ही अगर हम इंपोर्ट्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि यहां पर आपको मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो आपका यहां बिजनेस सर्विसेज है उनका इंपोर्ट यहां पर बहुत ज्यादा किया गया है, उस तरीके से हमें कंसल्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है, ट्रैवल आपका बहुत ज्यादा किया गया, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हमारी सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपोर्ट की गई हैं। ठीक है जी, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज यहां पर इंपोर्ट किए हैं। बस यहां पर भी आपको जो आपकी टॉप 3 फिगर्स हैं वो आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखनी, तो आपकी काफी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। फिर वहीं बात करें कि जो हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है, अब ये जितनी भी चीजें हैं जो कि हम इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत ही रैपिड तरीके से यहां पर कवर कर रहे हैं, या आपकी करंट अफेयर कोर्स में बहुत ही इलाबोरेटिव तरीके से वहां पर कवर हुई हैं। पूरा जो आपका कोर्स है 60 से 70 घंटे का आपका कोर्स यहां पर तैयार किया गया है, जिसको मद्देनजर रखा गया है 2022 के अटेम्प्ट को कि किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आपके करंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल के यहां पर कंसोलिडेट करके आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है जी, फिर हमने बात करी सर्विसेज इंपोर्ट के बारे में, फिर वहीं बात करें ITBPM सर्विसेज, अब ये कौन सी सर्विसेज यहां पर आती हैं, तो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर। ठीक है जी, ये आपका मेजर सेगमेंट है इंडिया की सर्विसेज का। ये पॉइंट आपके लिए यहां पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम देखें 2021 के बारे में जो नेस्कॉम का आपका प्रोविजनल एस्टीमेट्स है कि ये जो रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट द्वारा, इस पर्टिकुलर सेक्टर द्वारा यहां पर जनरेट किए गए हैं वो आपका 194 बिलियन US डॉलर्स के अराउंड आपका रीच करता है, बाय ग्रोइंग बाय 2.26% ईयर ऑन ईयर अगर हम वहां पर उसे देखें। ठीक है, जो साथ साथ कितने एम्प्लॉयमेंट यहां पर जनरेट हुई है, 1.38 लाख एम्प्लॉयमेंट यहां पर जनरेट हुई है। और वैसे ही आपकी जो ITBPM के अंदर अगर हम बात करें, तो इसमें जो आपकी IT सर्विसेज हैं वो यहां पर मेजॉरिटी शेयर
होल्ड करते हैं। तो वही चीज आपको चार्ट के थ्रू भी यहां पर समझाने की कोशिश की गई, किस तरीके से आपके अलग अलग जो सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी आईटी सर्विसेज होगी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज होगी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज होगी, हार्डवेयर सर्विसेज होगी, किसका कितना कितना अकाउंट यहां पर रहता है। तो आईटी सर्विसेज का अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहां पर 50% के अकाउंट ये आपका ये होल्ड करके रखते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट किस तरीके से, क्योंकि बहुत बार हमने इकॉनमी में ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं पीवाई के, जो कि हम कल भी डिस्कस करेंगे, आपसे ट्रेंड वहां पर पूछा जाता है कि क्या वो ट्रेंड इंक्रीजिंग है, क्या वो ट्रेंड डिक्रीजिंग है, क्या वो ट्रेंड आपका इस तरीके का हमने कंसिस्टेंट देखा है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं वो आपको थोड़ी बहुत यहां पर ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईटी सर्विसेज का आपके इस आईटी बीपीएम सेगमेंट में ये आपका एक कंसिस्टेंट हम कह सकते हैं कांस्टेंट यहां पर अराउंड 50 या 51% के अराउंड यहां पर इन्होंने शेयर होल्ड करके रखा है। फिर वहीं बात करें स्पेस सेक्टर के बारे में, क्या क्या बातें वहां पर रखी गई थी कि बेसिकली यहां पर कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात की गई, जैसे आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि जितने भी आपके ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स को वहां पर ओन करेगा और जो भी स्पेस एसेट्स रहेंगे इसरो के उसे वहां पर ओन करके रखेगा, उस पर मेंटेनेंस पर काम किया जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा क्रिएशन की बात की गई है ऑफ एन इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि एक्ट करेगा एज अ प्रमोटर रेगुलेटर जितनी भी स्पेस एक्टिविटीज यहां पर इंडिया में कंडक्ट की जाएंगी नॉन गवर्नमेंट और जो भी आपकी प्राइवेट एंटिटीज रहेंगी उनके द्वारा। अब यहां पर इसरो के लिए तो नहीं रखी गई है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको पूछ ले सकता है उस तरीके से कि बताइए कि जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है जिसे हम इन स्पेस कहते हैं, क्या वो इसरो की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, जी नहीं, जो आपकी नॉन गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटिटीज यहां पर, जो कि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, उन पर ये बेसिकली काम करेंगे। फिर यहां पर बात की गई है कि predictable, forward looking और well defined enabling regulatory regime रखने की बात रखी गई है space activities के लिए, जिसके चलते आपका space com off और space RS policies भी वहां पर रखी गई थी, जिन्हें आप definitely एक बार go through कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम space sector के बारे में जो बात कर रहे थे कि नई regulation की बात यहां पर क्यों रखी गई, इन space की स्थापना यहां पर क्यों रखी गई, क्योंकि number of startups, अब startups हैं तो definitely कहीं ना कहीं ये आपके ग्रो भी करेंगे, उस तरीके से परफॉर्म भी करेंगे, तो उससे रिलेटेड 101 आपके टोटल स्टार्टअप यहां पर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इन स्पेस की यहां पर आवश्यकता थी ही। फिर वही बात करें अगले पॉइंट के बारे में, ड्रोन रूल्स। अब ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, बहुत बार डिस्कस भी हो चुके हैं आपके फ्यू मिनट सीरीज में, प्रीमिक्स में आपके से रेड क्वेश्चंस हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। तो यहां पहले क्या था कि आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएस रूल 2021 ये आपके लागू किए गए थे मार्च महीने में 2021 के, ठीक है जी। बट ये बहुत ही एक तरीके का मतलब स्ट्रिंजेंट रूल्स यहां पर रखे गए थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स यहां पर रखे गए थे, बट लेटर ऑन इन्हें ड्रोन रूल्स 2021 से रिप्लेस कर दिया गया, लिबरलाइज जो आपके एक तरीके के रूल्स थे, ठीक है जी, जो कि फर्दर आपके अगस्त में यहां पर नोटिफाई किया गया था, क्योंकि बहुत सारा एक तरीके का हमने बैकलैश सरकार ने विटनेस किया था कि हाँ जी जितनी भी आपकी सिलेक्टेड ड्रोन कंपनीज या जो भी ड्रोन इंडस्ट्रीज थी वो कह रही थी कि आपके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम उस तरीके से यहां पर इन रूल्स के साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड काफी चीजें यहां पर मेंशन की गई थी और उसी के चलते आपको एक नंबर ऑफ लिस्ट है, अगर आप पीआईबी में भी पीआईबी की नोटिफिकेशन भी नॉर्मली सर्च करें कि आपको बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट, एक सजा हुआ डॉक्यूमेंट वहां पर मिलेगा जिसमें आपके सारे ड्रोन रूल्स एक्सप्लेन किए गए होंगे। इसमें मेजर चीजें क्या है कि कौन कौन से अप्रूवल्स हैं जो कि अबॉलिश कर दिए गए हैं नए रूल्स के चलते, कि आपके स्टूडेंट पायलट रिमोट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रही है, उस तरीके से ऑपरेटर परमिट की आवश्यकता नहीं रही है, इंपोर्ट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं रही है, उस तरीके से अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स वहां पर तैयार कर रहे हैं, ई सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेंस उसकी आवश्यकता यहां पर नहीं रही है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं जो कि अप्रूवल जो यहां पर अबॉलिश कर दिए गए हैं, 25 के अराउंड पहले अप्रूवल थे उन्हें हार्डली 4-5 अप्रूवल्स में यहां पर खड़ा कर दिया गया है कि अब सिर्फ इतने ही अप्रूवल्स आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप इस तरीके की ड्रोन एक्टिविटीज कैरी आउट करना चाहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में भी रखना है वो आपके लिए जैसे ग्रीन जोन कौन सा है, येलो जोन कौन सा है, रेड जोन कौन सा है, तो डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगा पीआईबी की उस नोटिफिकेशन पर जाइए और वहां पर बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया गया है, उसे एक बार गो थ्रू कीजिए, अपने नोट्स में वहां पर कंपाइल कर लीजिए। फिर वहीं बात करें पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर इन इंडिया, उसमें भी कुछ चेंजेस यहां पर रखे गए हैं कि पहली बात जैसे आपकी एप्लीकेशन स्टडीज अलग अलग चीजों में अलग अलग रूल्स यहां पर रखेगी, अलग अलग टाइम फ्रेम यहां पर रखेगी। पहले आपका क्या रहता था पब्लिकेशन में, यहां कहते थे कि जो आपका एप्लीकेशन फाइल हो चुका है उसके बाद जो पब्लिकेशन है उसे कितनी देर में रिलीज करना है, तो पहले आपका रखा गया था 18 महीने, दोबारा से 18 महीने रखा गया। तो बेसिकली ये जो अमाउंट ऑफ टाइम यहां पर दिया गया ताकि एप्लीकेंट वहां पर उसे विड्रॉ करना चाहता था वो भी कर सके। फिर यहां पर जो बात रखी गई रेफरेंस टू एग्जामिनर, अब ये यहां पर थोड़ा बहुत डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, अब इस टोटल टाइम पीरियड यहां पर 12 महीने का रखा गया था, बट अब जो फर्स्ट जो आपका रेफरेंस टू एग्जामिनर जो रहेगा यहां पर, जो आपके जो भी ऑफिसर्स रहेंगे जो कंट्रोलर द्वारा वहां पर अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि एक फॉर्मल एज वेल एज सब्सटेंसिव एग्जामिनेशन करेंगे उस इन्वेंशन का जिसके चलते वो पेटेंट फाइल किया गया है, तो उसके लिए पहले एक महीने पहले यहां पर 12 महीने का पूरा टाइम फ्रेम रखा गया था, उसे डिवाइड कर देगा कि एक महीने में आपको रेफरेंस टू एन एग्जामिनर वहां पर वो ऑब्टेन करना है, साथ के साथ जो आपकी एफईआर जो यहां पर रहेगी फर्स्ट एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट रहेगी उससे 3-5 महीने का यहां पर टाइम पीरियड दिया गया है। उसके अलावा हियरिंग के लिए यहां पर बात की गई, जो आपका कंट्रोलर है मस्ट नोटिफाई की कंडक्ट कर रहे हैं हियरिंग ताकि डिटरमाइन कर सके क्या जो यहां
पर रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो FER जो वहां पर आपकी पब्लिश की गई है उसके बाद क्या रिस्पॉन्सेज वहां पर आए हैं, तो इसके लिए आपका कोई भी टाइम लिमिट यहां पर नहीं रखा गया है, ठीक है जी। और इस हियरिंग के लिए यूजली यहां पर 6 से 9 महीने का पहले रखा जाता था, बट इसके लिए क्या किया गया है कि आपके जो पहले जब आपके जो स्टेप्स हैं अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको कोई टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है, आपको एज सून एज पॉसिबल इसे यहां पर सबमिट करना है, ठीक है जी। फिर वही बात करें, एक और पॉइंट यहां पर रखा गया है इससे रिलेटेड कि प्री ग्रांट ऑपोजिशन, इसके लिए भी आपका कोई टाइम लिमिट यहां पर हटा दिया गया है कि पहले बहुत ही एक तरीके से जो 12 महीने का पूरा टाइम था वो इसको कम करते हुए थोड़े थोड़े टुकड़ों में यहां पर डिवाइड करते हुए यहां पर बात रखी गई है। साथ साथ जो आपकी नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली यहां पर पहले रखी जाती है कि आपको एकदम इमीडिएटली यहां पर करना है। अब इसमें जो अब लेटेस्ट जो आपके यहां पर रूल्स आए हैं उसके चलते क्या किया गया है, तो अलाउ ऑब्जेक्शन अगर अलाउ करनी है तो मिनिमम 6 महीने प्रोवाइड करने हैं, प्रोवाइडेड सब्सिक्वेंट टू पब्लिकेशन बिफोर अ पेटेंट इज ग्रांटेड, कि 6 महीने का टाइम यहां पर रहेगा ही रहेगा। फिर ऑपोजिशन हियरिंग के लिए 1 महीने का यहां पर रखा है, जो कि पहले आपका 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड यहां पर लेता था। ग्रांट के लिए यहां पर जो आपको पेटेंट ग्रांट करना था उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है, जो कि पहले 4 से 6 महीने की यहां पर टाइम लिमिट रहती थी। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें कि जो पूरी प्रोसेस है उसको एक तो स्ट्रीमलाइन यहां पर कर दिया गया है, साथ साथ जो टाइम उसमें लगता था उसको कम करने की भी यहां पर कोशिश की है, बट साथ के साथ जो पूरी प्रोसेस है उसमें कोई एक तरीके से हम जल्दबाजी ना करें तो वो भी इंश्योर करते हुए कहीं कहीं जगह पर टाइम लिमिट हटा दी गई है, ठीक है जी। तो बेसिक सी आइडिया है, एक बेसिक सा प्रोसेस है, पूरा आपका ब्लू बॉक्स वहां पर मेंशन है, डेफिनेटली आप उसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। फिर वहीं बात करें गाइडलाइंस फॉर एक्वायरिंग एंड प्रोड्यूसिंग जियोस्पेशियल डेटा। अब पहले क्या होता था कि बहुत ही एक तरीके से बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर रखे गए थे, बहुत ही कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई थी अगर आपको इस तरीके का जियोस्पेशियल डेटा वहाँ पर एक्वायर करना है या फिर इस तरीके का प्रोड्यूस करना है। बट फरवरी 2021 में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने रिलीज की कुछ गाइडलाइंस कि किस तरीके से क्रिएशन एक्विजिशन और यूज किया जा सकता है जियोस्पेशियल डेटा का, इंक्लूडिंग मैप्स, ठीक है जी। बीइंग क्रिटिकल टू द मैपिंग एक्टिविटीज इन इंडिया, जो आपकी जियोस्पेशियल डेटा था वो प्रीवियसली बहुत ही हैवीली रेगुलेटेड था और उसके लिए बहुत सारे लाइसेंसेज की जरूरत पड़ती थी अगर आपको इस तरीके के डेटा का वहां पर यूज करना है। तो इसमें बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन रिजीम रख दिया गया है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दी गई है, स्पेसिफिक परमिसिबिलिटी यहां पर अलाउ कर दी गई है इंडियन एंटिटीज के लिए कि हां जी आप ये एक्स्ट्रा चीजें यहां एंजॉय कर सकते हैं, नॉन इंडियन एंटिटीज को थोड़ी एक्स्ट्रा परमिशन यहां पर लेनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पर थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन लगा दी गई है, ओपन एक्सेस रख दिया गया टू द पब्लिकली फंडेड डेटा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप मिनिस्ट्री की साइट पर भी जाएं वहां पर जो आपका सर्वे का जितना भी डेटा रहता है, जो कि आपका जियो स्पेशल डेटा वहां पर अकोमोडेट पहले का रहता था, बहुत सारे प्रोसीजर वहां पर रहते हैं, अब आपको बहुत ईजिली अगर किसी भी लोकेशन की आपको किसी भी रेशियो में वहां पर उस तरीके का मैप चाहिए, उस तरीके का टोपोग्राफिकल मैप चाहिए, बहुत इजीली आपको हाई रेजोल्यूशन में वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट ईयर भी हमने कंडक्ट किए थे, इस साल भी बहुत ज्यादा इस चीज की डिमांड आई थी, तो नेक्स्ट वीक से आपके ये इनिशिएटिव भी शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते में हम कोशिश करेंगे यहां पर हर एक सब्जेक्ट के आपके जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए वो हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। फिर वही बात करें 93rd पॉइंट में कुछ इनिशिएटिव्स जो कि कोविड के अगेंस्ट वहां पर लिए, कि पहली बात लेबोरेटरी नेटवर्क यहां पर स्थापित किया गया था, ये थोड़ा बहुत आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है जी, कि उस तरीके से नंबर ऑफ लेबोरेटरीज का आपस में इंटरलिंकिंग की गई, इस तरीके से आपकी 1300 के अराउंड सरकारी लेबोरेटरीज थी, 1700 के अराउंड प्राइवेट लेबोरेटरीज थी जो कि इस तरीके से कोविड-19 की टेस्टिंग वहां पर कंडक्ट कर रहे थे। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स की वहां पर बात रखी गई कि DRDO को दारोमदार सौंपा गया था कि इंस्टॉल करें और कमीशन करें, इस तरीके के 931 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स जिसकी फंडिंग पीएम केयर्स फंड से वहां पर आई थी। फिर ऑक्सीकेयर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, DRDO ने डेवलप किया कि आपका SPO2 बेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर कंट्रोलर, बेस्ड मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो कि ऑप्टिमली यूज किया जा सकता है और अवेलेबल भी है मेडिकल ऑक्सीजन फॉर द कोविड-19 पेशेंट इसके लिए, ठीक है जी। तो ये बेसिक से इनिशिएटिव्स थे जो कि सर में मेंशन भी किए गए थे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। उसके अलावा आपकी एंटी कोविड ड्रग, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी एंटी कोविड ड्रग है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। फिर वही बात करें 94th पॉइंट में कि स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार के इनिशिएटिव्स वहां पर लिए गए, PMEA विद्या हो गया कि उस तरीके का आपका ऑनलाइन एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड करनी है। फिर आपके जो डिफरेंशियली एबल जो आपके इस तरीके के बच्चे रहते हैं उनके लिए विजुअली जो आपके और जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं उनको उस प्रकार की साइन लैंग्वेज के साथ और डिजिटल सिस्टम के साथ वहां पर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई जो कि आपकी वेबसाइट NIUS की वेबसाइट और साथ साथ यूट्यूब पर भी अवेलेबल था। उसके अलावा आपका नेशनल डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के ऊपर बात करने की बात की कि हमें एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार करना है एजुकेशन के लिए। फिर विद्यांजलि जैसा आपका एक इनिशिएटिव हो गया कि कनेक्ट करने हैं हमें सरकारी स्कूल और जो आपके गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं थ्रू कम्युनिटी एंड वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि डेफिनेटली इसमें जो नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का पेंडेमिक के समय सबसे ज्यादा हुआ है, 2 साल अप्रॉक्सीमेटली घर से पढ़ने की जिसे आदत नहीं थी एक एडटेक के माध्यम से उन्हें वो चीजें वहां पर कवर करनी पड़ी, तो डेफिनेटली यहां पर सरकार द्वारा भी इनिशिएटिव लिए गए थे ताकि हम उस चीज को ओवरकम कर सकें। फिर उसके अलावा स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर पहली बात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर आपकी जन
शिक्षण संस्थान स्कीम यहाँ पर आती है छोटे लेवल पर, फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यहाँ पर रखी गई थी, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है जी। फिर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, जो हमारी आत्मनिर्भर पूरा पैकेज था उसके अंदर यहाँ पर रखा गया था कि जो आपके इस तरीके की जो सप्लाई है और जो मार्केट में डिमांड है उसको हम यहाँ पर मीट कर सकें, कि आपको बताएंगे किस तरीके की मार्केट में डिमांड चल रही है, कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं या कौन कौन सी ऐसी आपकी स्किल सेट है जिसकी मार्केट में डिमांड चल रही है, ताकि उस प्रकार का स्किल सेट वहाँ पर ऑब्टेन करते हुए जो हमारा युवा है वो उसे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट को वहां पर ऑब्टेन कर सके। उसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क की यहां पर बात रखी गई थी, फिर प्रधानमंत्री दक्षता एंड कुशलता संपन्न हितग्राही योजना के बारे में यहां पर बात रखी गई थी। तो एक बेसिक से आपके लिए एक इंडिकेशन है यहां पर कि इन स्कीम्स को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिए। अब यूपीएससी की वो बात नहीं रही कि पिछले एक या दो साल में जो आपके पुराने करंट अफेयर्स रहेंगे या जो स्कीम्स तब लॉन्च होंगी सिर्फ उसी के बारे में पूछेंगे, पुरानी स्कीम्स के बारे में भी वहां पर पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। फिर वहीं बात करें 96 पॉइंट में इंडस्ट्री वाइज एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ने कितना कितना एम्प्लॉयमेंट यहां पर होल्ड किया, कितना कितना एम्प्लॉयमेंट यहां पर जनरेट किया है, तो रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, टोटल में कितना है, तो आप इजीली देख सकते हैं। यहां पर जो आपका एग्रीकल्चर है तो बेसिकली यहां पर आपका जो एग्रीकल्चर द्वारा काफी ज्यादा 14.77%, ये परसेंटेज नहीं आपकी करोड़ में है यहां पर वैल्यू, ठीक है जी। तो टोटल कितनी है यहां पर 23 करोड़ के अराउंड इतना एम्प्लॉयमेंट आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से वहां पर जनरेट किया जा रहा है। तो अभी भी हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर ही आपके मोस्ट, हम कह सकते हैं अराउंड 40-50% के अराउंड आपका एग्रीकल्चर द्वारा ही वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है अभी भी, ठीक है जी। फिर वहीं आपके हेल्थ आउटकम इंडिकेटर्स के बारे में अगर एक बार हम देख लें तो किस तरीके से आपकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट किस तरीके से यहां पर कम होती हुई दिख रही है, उसके अलावा जो आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें भी हमने थोड़ी बहुत कम होती हुई यहां पर विटनेस की है, साथ के साथ आपके जो अंडर 5 जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है उसमें भी हमने थोड़ा बहुत कम होते हुए देखा कि अगर हम 1992-93 के हिसाब से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर 50% के अराउंड यहाँ पर हमने कम किया है इस चीज को, ठीक है जी। तो बेसिक से इंडिकेटर्स जो रहते हैं डायरेक्टली पूछ जाते हैं एग्जाम में प्रीलिम्स में, तो आपको थोड़ा सा अपने डेटा को यहाँ पर याद रखने की कोशिश करनी है, इस करंट फिगर पर आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, आपको काफी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद बात करें जो जनरली कई बार पूछ जाते हैं स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसकी एक आपको मैप वहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो करंटली दिसंबर 2021 के हिसाब से देखें तो 130 आपके ऑपरेशनलाइज्ड एयरपोर्ट्स यहां पर काम कर रहे हैं। फिर नेट जोन एरिया कई बार इस तरीके से आपका फैक्ट पूछ लिया जाता है, तो 2021 का आपका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मिलियन हेक्टेयर्स में 156 मिलियन हेक्टेयर्स यहां पर आपका जो एरिया शो किया जा चुका है, ठीक है जी। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने स्कीम्स को बहुत ही रैपिडली यहां पर निकाला है ताकि आपको बेसिक्स आइडिया लग जाए कि इन स्कीम्स पर आपको दोबारा से फोकस करना है, तो उसी के आधार पर इको सर्वे का जो एक ऑब्जेक्टिव रहता है आपको आइडिया देना, आपके लिए एक रिविजन फॉर्मेट में वहां पर सभी चीजें प्रोवाइड करना कि ये सभी चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए जो 99 पॉइंट्स हैं ये वैसे ही आपको यहां पर रखे गए हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये आपके प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ साथ मेंस में भी आप इस डेटा को यूज करते हुए अपनी आंसर राइटिंग को और इंप्रूव कर सकते हैं। सो जाते जाते एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जो हमारे 2023 के कोर्सेज हैं तो उसको तीन पार्ट में तीन तरीके से यहां कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं कि बेसिकली एक आपका विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, एक आपका आंसर इवैल्यूएशन के साथ और एक आपकी कंप्लीट मेंटरशिप के साथ है। इसके लिए जो एनरोलमेंट है वो आपकी टेस्ट बेस्ड एनरोलमेंट रखी जा चुकी है, सभी की डिटेल्स यहां मेंशन है। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहे तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जो आपका अटेम्प्ट है 5 जून की जो डेट है नजदीक आती जा रही है, कोशिश कीजिए कि जो आपने अभी तक चीजें पढ़ी हैं उसको आप दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दें। हार्डली एक महीने का टाइम आपके पास यहां पर बचा है, हमारे इनसे भी कोशिश रहेगी जो रिविजन सीरीज वहां पर रहेंगी कि आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रैपिड तरीके से वहां पर कवर करवाएं और साथ के साथ टेस्टिंग भी करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अब टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए जो आपका टाइम फ्रेम है एग्जाम का उसी टाइम फ्रेम में आप वहां पर डेली बेसिस या फिर अगर हम कह सकें एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के वहां पर टेस्ट देते रहें ताकि आपको पता लगता रहे किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन वहां पर चल रही है। बट रिविजन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। रिविजन जितना करेंगे उसी हिसाब से आप वहां पर चीजें रिटेन भी कर पाएंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।